तो स्टार्ट करते हैं कि जैसे यार शादियाँ होती हैं ना, दो तरह के लोग होते हैं, जैसे जीजा टाइप होते हैं, कोई पीता है कोई नहीं पीता, जो पीता है उसके मज़े हैं भाई, पूरे मज़े हैं उसको, अपने साले वाले हैं जो अपना कहेंगे आज ही कहाँ बैठोगे, ऊपर चबारे में बैठ जाए, क्या क्या कौन सा लोग, मतलब पूरी पूछी जाएगी उनको कौन सी वैरायटी लाए, इज्जत भी बहुत मिलती है यार, मतलब उसके मुकाबले उनको बहुत इज्जत मिलती है, और जो नॉर्मल होते नहीं पीते उनको ऐसे इधर उधर टाइम पास करना पड़ता है, मतलब नहीं मिलती। हाँ मतलब होता है, ऐसा ही होता है, इनका एक्सपीरियंस है बिठाया हुआ है। ठीक है, हाँ ये मेरे को लगता है पहले भी बन चुके हैं। तो तो ऐसा होता है कि जैसे जैसे शाम होती है उनको वहाँ पे सरवाइव करना ना कठिन हो जाता है, तो वो देखते हैं कहाँ बैठे उनके मुताबिक उनको बंदे भी नहीं मिल पाते, क्योंकि ज़्यादातर पियक्कड़ ही लोग होते हैं शादियों में। ठीक है, वो खुश लग रहे हैं भाई साहब, वो पीते हैं ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो होता है यही कि नहीं मिल पाती वो बात होती, तो वो शाम को जैसे ही वो बैठ जाते हैं तो वो एक अलग सा एक जोन ढूंढ लेते हैं अपना, मतलब कोई कोई कमरा हो, कोई आपा बोल दरिया में बैठक में लेट जाए, तो मतलब नहीं वो खाने के टाइम भी बोलते हैं भाई हाँ रोटी बन गई, तो उनको जो साली होती है वो बोले जिसे ही अभी टाइम लगेगा, अभी खाना नहीं बना है, आप वेट कीजिए, मतलब निराश हो गए, वो एक जगह पे अपना बना लेते हैं, अभी सो जाते हैं सुबह जाना है, तो उनके पास एक ऐसा व्यक्ति आता है जो वहाँ पे एंजॉय एंजॉय करके आ जाता है, और वो भी आके उसको ऐसी बातें सुनाएगा, वो पहले ही दुखी है भाई कुछ इज्जत नहीं मिल रही यार आए हैं यहाँ पे, कोई वो निभा के गया, आगे भी कैसी बातें सुनाएगा उसको, लेट के साइड में ही लेटे हो उसके शराबी बंदा जिसको उससे एलर्जी है, देखो जी माहौल खराब हो गया पूरा, पूरा माहौल खराब हो गया, इस कोरोना नहीं सीधी सी कर दी मेरे तो जी बच्चे जमाना लैक हो गए, पढ़ाई नहीं करते, जमी खत्म है जी, सब कुछ खत्म कर दिया सरकार, यू इंडिया मरे गए देख लियो आप। मतलब पहले ही बंदा दुखी है तो इस तरह के लोग उसको, और वो सोच रहा बंदा कैसा बंदा मिल गया यार, भाई आपके बच्चे कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं जी, मेरे अभी बच्चे नहीं हुए जी, अभी नई नई शादी हुई है, अच्छा चलो हो जाएंगे जी आगे टाइम, अभी तो बहुत करो इन्जॉय। तो लड़कियों के पास कुछ पावर होती है यार, होती है मैंने देखा है, और अलग ही तरह की होती है जो हमारे पास नहीं है भाई। ठीक है, तो ये जैसे ही किसी भी दुकान वगैरह पे जाती हैं तो बंदे ही अच्छे से बेइज्जती कर देती हैं, बढ़िया तरीके जो हम नहीं कर पाते, और ना हमें अधिकार है, कर भी नहीं पाएंगे हम, करके देख लियो वैसे कर भी नहीं पाएंगे, जाएंगी जैसे कॉस्मेटिक की दुकान पे जाएंगी, अगर इनको वो चीज़ नहीं मिलती ठीक है, तो ये क्या बोल लेंगे दुकानदार को, भैया कभी आ जाओ आपके पास, ये शैम्पू आपके पास कभी नहीं मिलता, कैसे हो आप, और टीनू के पास कभी चले जाऊँ हर चीज़ मिलती है, आपके पास कुछ नहीं मिलता, और दुकानदार भी हाँ जी बहन जी अभी ख़त्म हुआ था, बिक नहीं रहा, एक तो लॉकडाउन है क्या करें, मतलब है इनके पावर ऐसी ऐसी पावर, गोलगप्पे वाले को की बेइज्जती कर देंगे, क्या भैया बर्फ़ नहीं थी इसमें पानी में आपके, क्या पानी बनाते हो आप, 15 हो गए 10 दूंगी मैं तो। और वो बिहारी भी बेचारा ऐसे ही होता है भाई, इनसे क्या झगड़े, उनको क्या देता, अभी डाली थी चलो होगी होगी दे दो आप 10 दे दो, 10 ले लेता है, हम बोल देंगे ऐसा भाई बर्फ़ कम थी, यार सभी पी रहे, तेरे को बर्फ़ कम लग रही है यार इसमें, सभी पी रहे, कोई बोल रहे है टिंकू देखिए कैसे पी रहे, 2 बार पी गया यार ये, तेरे को भी बर्फ़ कम लग रही है, बर्गर वाले को बोल देंगे भैया आपका बर्गर ऐसे ही था अभी तो, भैया आज ना सच बोलूँ ना सिमरन, आज इसका बर्गर ऐसे ही था। फेवरेट पार्ट है। ठीक है, एक यार ऐसे लोगों से मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ, जो नहीं सिमरन से तो मैं खुश था काफ़ी। हिम्मत भाई उन्होंने कभी मुझको दुख नहीं दिया। तो क्या होता है कि ये स्टेटस वगैरह जो लगाते हैं ना लोग, बहुत ज़्यादा लगाते हैं, मतलब हैप्पी बर्थडे मामा सुरेश जी, हैप्पी बर्थडे मौसी, कुछ 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 कुछ, मतलब रोज का होता है इनका। मैं सुबह उठ के ना जो मेरे दोस्त हैं ऐसे देखता हूँ आज किनका किसका बर्थडे विश करेगा ये,
कौन इसका रिश्तेदार रह गया अब जिसके बर्थडे विश करेगा, मतलब उनकी चलती रहती है कैसे करते, इनको पैसे वैसे मिलते हैं क्या भाई? भाई आज बर्थडे विश कर दे यार, 500 रुपये गूगल पे कर दूंगा तेरे पास, कर दे यार प्लीज़। तो ऐसे हैं लोग, कैंडिडेट हैं ऐसे, मेरे को लगता है ऐसे कि जो करते हैं डेली का चलता है। और ऐसे करेंगे, फोटो लगा देंगे पूरी ग्रुप की, हैप्पी बर्थडे बलराज मामा जी, मामा जी दिख नहीं रहे, मैंने वैसे ही पूछ लिया कौन से मामा जी ऐसे खड़े नाड़ नाड़ दिख रही है मामा जी की, ये है मामा जी बीच में, उसने नाम देखो कितना बलकारी नाम है, बलराज मामा जी ऐसे होंगे, मामा जी ऐसे खड़े फोटो में फेस ऐसे दिख रहा है मामा जी, ये वाले ऐसे करके भेज ऐसे करके भेजो उसने मेरे पास, ये है मेरे मामा जी, मैं ठीक है हैप्पी बर्थडे मामा जी, बलराज मामा जी। लेकिन इनकी बर्थडे विशेज यार ये नहीं ख़त्म होती, पूरा दिन बंदा सोचे आज स्टेटस देख लेता हूँ किसी के, दोबारा फिर उन्हीं का आता है हैप्पी बर्थडे के स्क्रीन शॉट लगाते हैं, 150 स्क्रीन शॉट लगा देते हैं यार, कौन इंटरेस्टेड है भाई तुम्हारे स्क्रीन शॉट देखने में? और बीच में ये भी नहीं देखते पिछली कन्वर्सेशन क्या हुई थी हमारी, दो पिछली बार मैंने एक बंदे का देखा स्टेटस लगा हुआ था अभी, 150 स्टेटस लग रहे थे, बीच में से मैंने एक दो देख ली, उसमें दो ने लिख रखा भाई मेरे पैसे दे दे यार। इनको कुछ नहीं, इनका बर्थडे है, उन्होंने विश किया, इन्होंने स्क्रीनशॉट खींचा और लगा दिया हैप्पी बर्थडे राजन ब्रदर, और राजन ने पिछले शो के पैसे मांग रखे, 100 रुपये कर दिया रजिस्ट्रेशन के, वो रह गए थे तेरे, 2 बार हो चुके हैं, तीसरी बार भी परफॉर्म करने आ गया यार तू, समोसे 2 खाता है तू आगे। कोल्ड ड्रिंक भी तूने पी थी पिछली बार सबसे ज़्यादा, पैसे दे दे यार 100 रुपये शो के, देखते नहीं भाई, स्क्रीनशॉट लगाना है बस उनको। यार ये शहरी लड़कियाँ होती हैं ना, इतनी मासूम होती हैं ना, मतलब प्यारी होती है यार, लगा लो। कई बार देखता हूँ मैं, ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को ऐसे ही कि कैसा इनका बोलने का, जैसे इनका लहजा कितना प्यारा है, तितली सी वो कैसे कहती है बंदा यार, वो सिर्फ दिनेश भाई की है। नहीं ये बहुत मतलब इनको मैं सुनने के लिए ना, मेरे को ऐसा होता है कि हाँ इनकी सुनूं, ऐसे लगता बंदा अगर ये भी कहते ना, यही इसमें जहर है पी ले बंदा, ना ना गए यार पी ले यार, इतने प्यार से बोल रहा है, ठीक है। तो लड़कियां यार इतनी प्यारी होती हैं ना, कहीं जैसे घर में ना हमारे नल वगैरह ख़राब हो जाते हैं, तो प्लम्बर आ गया भाई घर पे, उसने देखा कि ये ख़राब है यार, जो नल है ख़राब है, और उसको बोलेगा लड़की को, जैसे घर में नहीं कोई होगा तो उसको बोलेगा हाँ दीदी ये नल ख़राब हो गया है और ये नया आएगा और ये चेंज करना पड़ेगा, उसको पूछेंगे ये तो भैया आप कर दोगे? अरे वो यही काम करता है भाई उसका, तो फिर आप कर दोगे लगा दोगे? मैं पिछले 15 साल से यही काम कर रहा हूँ नल लगाने का, अब मुझसे पूछ रहे हो कर दोगे? तो मैं जिस दौरान पढ़ता था, तो कई बार हो जाता है हमें अट्रैक्शन हो जाता है, कोई लड़की होती है, भाई को भी हो गया था जैसे इनको, ठीक है, तो अट्रैक्शन हो जाता है, तो मुझे भी हो गया भाई। तो एक मेरा दोस्त था, उसको उसने पूछ लिया मेरे बारे में भाई ये कैसा लड़का है, तो उसने पता क्या कहा, इसके चक्करों में ना पड़ी हो ये लड़का बहुत गलत है, मैं तेरे को ऐसे एज ए ब्रदर बता रहा हूँ, ये असली में होता इसके तो उसने उसको बोला कि ये ऐसा ही है लड़का, इसके उसमें मत पड़ी हो, ठीक है, इसका पहले ही है किसी के साथ लगा ले, तो बोल दिया, और ये नशे वशे भी करता है, बीड़ी बाड़ी भी पीता है, उसको बोल दिया, वो इसका पूरा सेट कर दिया उसको, अगले दिन वो मेरे को बोली मेरी तरफ देखा ही नहीं उसने, ऐसे जा रही है, मैं इसको क्या हो गया भाई? वो आया मेरे पास 2-3 दिन बाद के बाद, कह रहे यार ये पूछ रही तेरे बारे में ये सिमरन है माँ, तो फिर क्या पूछ रही थी? वो ऐसे ही कुछ कुछ पूछ रही थी यार, भाई कैसा लड़का है, मैंने बोल दिया इसके चक्करों में मत पड़ियो, ये बंदा शरीफ है माँ, चलो ठीक है तूने बोल दिया तो शरीफ ही है भाई, थैंक यू, इतना ही था, ओके।